अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंगई। ये कंटिन्यू है हमारा टॉपिक, आज लास्ट टॉपिक है किंगडम फंगई का, जो जनरल कैरेक्टर्स है इसके। बेटा हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लास्ट पॉइंट जो था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिशन। बेटा अब एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्पोर्स और कोनिडिया। जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है किसमें, फंगई में, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ स्पोर्स। ये बहुत सारी स्पोर्स की वजह से होती है इसमें, और कोनिडिया, जिनको कोनिडिया भी नाम दिया गया है। कॉमन स्पोर्स आर, जो बहुत सारे स्पोर्स आर, और द स्पोर्स ऑफ फंगई कैन बी क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट जू स्पोर्स। बट जू स्पोर्स आर थिन, these are the thin uninucleate structures, these are thin uninucleate structures formed in zoosporangium। बेटा ये zoosporangium होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, sac like स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर uninucleate और क्या होते हैं, thin spores होते हैं, and these spores are called as zoospores। They are formed in the structure, this structure को नाम दिया जाता है zoosporangium, zoosporangium, zoosporangium। These spores possess flagella। बेटा जब ये spores release होते हैं और इसके बाद क्या होता है, they possess flagella and swim in water। और ये फिर स्विमिंग करते हैं वाटर में, हेंस दे आर कॉल्ड एज जू स्पोर्स। इसीलिए उनको नाम दिया गया है जू, जू मीन्स एनिमल लाइफ। ये मूवमेंट होती है उनकी, ये मूवमेंट करते हैं किसमें, वाटर में, इसीलिए उनको नाम दिया गया है जू स्पोर्स। दैट इज द स्पोर्स विच आर पोजेस्ड बाय एनिमल्स, एनिमल लाइक करेक्टर है इस यहाँ पे। फिर क्या है, फिर जू स्पोर्स थिन यूनिन्यूक्लियर स्पोर्स विच पोजेस फ्लैजेला एंड स्विम इन वाटर। दूसरी कैटेगरी है एप्लिनोसपोर्स, एप्लिनोसपोर्स आल्सो कॉल्ड है स्पोरेंजियोसपोर्स, आल्सो कॉल्ड है स्पोरेंजियोसपोर्स, एप्लिनोसपोर्स और स्पोरेंजियोसपोर्स। बट दीज आर आल्सो थिन, ये स्पोर्स भी बहुत थिन होते हैं, बट दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। बेटा जू स्पोर्स है मोटाइल और एप्लिनोसपोर्स आर नॉन मोटाइल। बेटा स्पोर की मैं डेफिनेशन पहले बता देता हूं, स्पोर इज ए थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। क्या होता है, थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्पोर, ए थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्पोर। एप्लिनोस्पोर्स क्या होते हैं, थिन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ये भी स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। और जिन स्ट्रक्चर्स में स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स में ये स्पोरेंजियम, ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्पोरेंजियम, इसको नाम दिया गया है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। फिर क्या होता है, विच आर लिबरेशन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलियम। बेटा ये जब रिलीज होते हैं, ब्रेक होते हैं, और ये जब स्पोरेंजियम से ब्रेक होंगे, रिलीज होंगे, और इसके बाद ये न्यू माइसीलियम या न्यू फंगी डेवलप करता है। शाबाश, दैट इज जू स्पोर्स आर दे पोजेस फ्लैजेला, दैट इज दे आर मोटाइल, वायर एज एप्लिनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। बेटा ओइडिया, ओइडिया एक और किस्म के स्पोर्स है, these are formed under conditions of excess water, sugar and certain salts। बट ये तब ही develop होते हैं, तब ही बनते हैं, ये produce होते हैं, अगर कहीं पे excess water होगा, यानी कि normal sexual reproduction possible नहीं होगी इस वक्त। possible क्यों नहीं होगी, मिसाल बेटा इनमें motility नहीं होगी, male और female gametes motility नहीं दिखाते हैं, reproduction नहीं possible होगी, तो वहां पे under conditions, क्या करें, इमरजेंसी कंडीशन। यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन क्या है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर में कुछ फंगई डेवलप करते हैं स्पोर्स, या शुगर कंटेंट हाई होगा मीडियम में, या सर्टन साल्ट्स होंगे, अंडर सच कंडीशंस द फंगई डेवलप स्पोर्स। ओईडिया आर इंडिविजुअल सेल्स, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल सेल्स होते हैं विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम हाइफे। बेटा ये हाइफे होता है, जो हाइफे से इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स या इंडिविजुअल पार्ट जो होता है वो सेपरेट होता है,
दैट इज कॉल्ड एज ओइडिया। जब ये पार्ट क्या सेपरेट होगा, इट विल जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू माइसीलियम या न्यू हाइफे, ये फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। बेटा एक और टाइप है, फोर्थ कैटेगरी है क्लेमडोस्पोर्स। क्लेमडोस्पोर्स क्लेमडोस्पोर्स बेटा ये थिन वालर थे दोनों, लेकिन यहां पे थिक वालर है। क्लेमडोस्पोर्स आर थिक वालर पेरिनेटिंग, जो सर्वाइव करेंगे। पेरिनेटिंग स्पोर्स डेवलपिंग फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं डेवलप होते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स में डेवलप होते हैं। उन सेल्स में डेवलप होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बेटा ये सेल है जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, दैट इज अ वेजिटेटिव सेल, अभी ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं पहुंची है, ये डेवलप करेगी स्पोर्स या स्मॉल पार्ट ऑफ हाइफे डेवलप करेगी। इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे इसके, दीज पार्ट्स डेवलप इनटू न्यू हाइफे और न्यू फंगे। ये स्पोर्स थे बेटा, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज कुनिडिया। द स्पोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ज़ूस्पोर्स, एप्लिनोस्पोर्स, ओइडिया एंड क्लेमडोस्पोर्स। बेटा नाउ जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फंगे की है विद द एक्सेप्शन ऑफ डिटीरियोमाइसिटिस, बेटा एक ग्रुप है डिटीरियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद बेटा, एक ग्रुप है डिटीरियोमाइसिटिस। बेटा डिटीरियोमाइसिटिस के अलावा सभी ग्रुप्स में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि विद द एक्सेप्शन ऑफ डिटीरियोमाइसिटिस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंगी। ऑल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट एक्सेप्ट डिटीरियोमाइसिटिस। बेटा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन ऑल ग्रुप्स, लेकिन ये जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है इट इज कंप्लीटेड इन थ्री फेजेस, तीन फेजेस में ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। बेटा फर्स्ट फेज है प्लाज्मोगैमी। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, इट ऑकर्स इन थ्री फेजेस, बेटा तीन फेजेस में होता है। पहला है प्लाज्मोगैमी। बेटा प्लाज्मोगैमी का माने है फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट्स, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट्स। बेटा सेल वॉल के बगैर जो अंदर से पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। द सेल लैकिंग सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। लेकिन यहां पे हम लैक सेल वॉल की बात नहीं करते हैं, बल्कि सेल वॉल को छोड़ के इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है सेल में दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। जब फ्यूजन होगा दो डिफरेंट सेल्स का, इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, सपोज बेटा मैं यहां पे दिखाता हूं, ये सेल है प्रोटोप्लास्ट है, ये दूसरा प्रोटोप्लास्ट है, इन दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन जब होता है, पहले ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, यानी कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में पहले दो प्रोटोप्लास्ट, दो डिफरेंट सेल्स के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट ए सेल का और ये बी सेल का प्रोटोप्लास्ट है, ये फ्यूज हो गया। बेटा इसके बाद क्या होता है सेकंड फेज में होता है कैरियोगैमी। फिर इनके दो न्यूक्लिय फ्यूज होते हैं, न्यूक्लिय और न्यूक्लिय, बेटा ये फ्यूज होंगे, ये दो सेल्स का न्यूक्लिय फ्यूज हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिय इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। पहले क्या होता है, पहले फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। इसके बाद इनके न्यूक्लिय जो होते हैं वो न्यूक्लिय फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। और इसके बाद बेटा होता है मियासिस होती है, इट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड न्यूक्लिय। जब मियासिस होगी तो इसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लिय डेवलप होते हैं और हैप्लॉइड न्यूक्लिय डेवलप करते हैं न्यू फंगस। दैट इज ऑल अबाउट फंगे। थैंक्स।